इनका ऑपरेटर, यानी कि यही इसमें गलती है ना कि अंदर सब क्यों नहीं है, वो मल्टी रो सब क्यों नहीं है, और ऑपरेटर कौन सा है, सिंगल रो सब क्यों नहीं का। अच्छा अब इस स्टेटमेंट में क्या मसला है कि अंदर की सब क्यूरी क्या कर रही है, ये जो एक एम्प्लॉई है उसकी क्या लेके आ रही है, जॉब आईडी लेके आ रही है। अब उसको वो मिल नहीं रहा, कोई एम्प्लॉई है नहीं इसकी जॉब आईडी को, तो फिर जो इट मीन्स कि अगर ये सब क्यूरी को रिकॉर्ड ही लेके आ रही है तो फिर मेन क्यूरी को क्या पास होगा, नल। तो क्या बन गया कि फिर जॉब आईडी इज इक्वल टू नल, तो क्या रिजल्ट आया, नो रो सिलेक्टेड। जब आप इस जरूरी नहीं कि एक तो है कि सब क्यूरी आपके अंदर एक रिकॉर्ड लेके आ रही है तो उसके साथ ऑपरेटर भी वैसे लगेंगे, और अगर आपकी सब क्यूरी एक ज्यादा रिकॉर्ड लेके आ रही है तो उस हिसाब से ऑपरेटर भी साथ लगेंगे। ये भी पॉसिबल है थर्ड कि सब क्यूरी कोई रिकॉर्ड लेके ही ना आए, जो सब क्यूरी है कोई रिकॉर्ड लेके ही ना आए, तो फिर उस सोलो को जो मसला नहीं होगा तो वो उसको मेन क्यूरी को क्या पास हो जाएगा, नल। अच्छा मल्टी रो सब क्यूरी जो है उसमें वो दो कह रहा है कि रिटर्न मोर देन वन रो, और इसके साथ जो ऑपरेटर यूज होगा वो क्या यूज होंगे, इनका, एनी का और ऑल, ठीक है, ये ऑपरेटर। इनके साथ एग्जांपल मैंने भी अभी आपको बताई है, देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, हर डिपार्टमेंट की क्या आ रही है, मिनिमम सैलरी आ रही है, और उससे क्योंकि ये मल्टी रो सब क्यूरी है तो ऑपरेटर से कौन सा लगाया, इन, तो यहाँ पे क्या लग गया, वेयर सैलरी इन, तो जब ये क्यूरी को ट्रांसफॉर्म करेगा ऑरेकल तो क्या करेगा, कुछ इस तरह करेगा, वेयर सैलरी इन दिस, यानी कि पहले जब सब क्यूरी आपकी चलेगी तो पहले वो ये वाला रिजल्ट देगी, ये हर डिपार्टमेंट की क्या आ रही है, मिनिमम मिनिमम सैलरी आ रही है, वो उसको पास कर रहा है मेन क्यूरी को, और इस तरह वो रिप्लाई आ देंगे जो अपनी कंपनी में मिनिमम सैलरी ले रहे हैं, उनके नाम डिटेल सब कुछ आ जाएगा। अच्छा आगे जो है इसमें लास्ट टॉपिक सब क्यूरी वो है कि सब क्यूरी के अगर मल्टी रो सब क्यूरी है तो इसमें आप दूसरे भी ऑपरेटर हैं, एक तो इन पड़ा, एनी है, ऑल है, एनी है और ऑल है, ये बहुत कम यूज होता है। अगर देखा जाए अंदर की सब क्यूरी क्या कर रही है, ऐसे जॉब आईडी जिनकी जॉब क्या है, आईटी प्रोग्रामर है। अब आईटी प्रोग्रामर को एक तो नहीं होगा, मल्टीपल होंगे, तो उसका मतलब है कि अंदर की सब क्यूरी क्या लेके आ रही है, मल्टीपल रिकॉर्ड लेके आ रही है, तो ये इसको आपको रिजल्ट भी दे रहा है कि सब क्यूरी कुछ इस तरह रिजल्ट लेके आएगी, 9000, 6000 एंड 4200, ठीक है। इसका मतलब है कि अंदर की सब क्यूरी रिकॉर्ड एक दे रही, मल्टीपल दे रही है, तो ये क्या बनती है, मल्टी रो सब क्यूरी। तो मल्टी रो सब क्यूरी के साथ क्या ऑपरेटर यूज होगा, एनी, यानी कि मल्टी रो ऑपरेटर। तो इसमें क्या बन गया कि वेयर सैलरी लेस देन, फेयर सैलरी लेस देन, इनमें से किसी भी एम्प्लॉई की सैलरी क्या हो, लेस देन हो। अब इसमें कैसे सॉल्व करेगा, इसमें नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ये देखिए गौर से देखिएगा कि लेस देन अगर एनी यूज करते हैं, हमने ऊपर ये यूज किया लेस देन एनी, इसको भी दिया थे ऊपर, लेस देन एनी है, ये एनी या ऑल का ऑपरेटर अकेले यूज नहीं होते, इसके साथ दूसरे ऑपरेटर लगते हैं, तो क्या बन गया, लेस देन एनी। तो लेस देन एनी का मतलब है कि मीन लेस देन मैक्सिमम, इसका मतलब है कि इसमें से क्या निकालेगा, मैक्सिमम। अब इसमें से मैक्सिमम क्या है, 9000, तो क्या बन गया कि वेयर सैलरी लेस देन 9000, तो वो इंप्लाई आ जाएंगे जिनकी, जिन लोगों की सैलरी 9000 से कम होगी। तो लेस देन एनी का मतलब ये नहीं कि वो किसी से भी, इसमें से कोई तो फिगर लेगा ना जिससे वो कंपेयर करेगा, तो लेस देन एनी का मतलब है कि उसमें से क्या लेगा, मैक्सिमम लेगा। अगर ये होता ग्रेटर देन एनी, क्या होता, ग्रेटर देन एनी, तो फिर यहां से क्या उठाता, मिनिमम। अगर मैं यहां पे ग्रेटर देन एनी लगा देता हूं तो फिर क्या बन जाएगा, तो वेयर सैलरी, ठीक है, लेस देन 42, यानी कि इसमें से वो क्या उठाएगा, अगर वो ये ऑपरेटर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो फिर क्या उठाएगा, 9000, और अगर ये ऑपरेटर ग्रेटर देन है तो फिर क्या उठाएगा, 4200, तो फिर क्या बन जाएगा, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 4200। तो याद रखिए जब आपकी अंदर की सब क्यूरी मल्टीपल कॉल लेके आ रही हो और बाहर आपके मल्टी रो ऑपरेटर एनी, लेस देन एनी के साथ है, जो सब क्यूरी रिजल्ट लेके आ रही है उसमें क्या पकड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू, फिर उससे कंपेयर करेगा, ठीक है। आप अगर आप अगली स्लाइड्स देखें, इसमें एनी की बजाय क्या यूज कर रहा है, ऑल। अच्छा ऑल का क्या फॉर्मूला है, नीचे ये भी बताया हुआ है, लेस देन ऑल द मीन कि क्या उठाएगा, मैक्सिमम से कंपेयर करेगा, और ग्रेटर देन ऑल का मतलब है मिनिमम,
यानी कि मीन मोर देन मिनिमम। तो यहाँ पे अभी क्या जो है ये यहाँ पे ऑल में क्या यूज हो रहा है, लेस देन ऑल। तो लेस देन ऑल का मतलब क्या यूज करेगा, मैक्सिमम। तो इसमें भी क्या करेगा, क्या उठाएगा, आईटी प्रोग्रामर में मैक्सिमम उठाएगा। तो इसमें भी कंपेरिजन किससे करेगा लाया, इस स्किल का मतलब यह है कि ऐसे एम्प्लॉय जो आईटी प्रोग्रामर इन सब से कम सैलरी ले रहे हैं, लेस देन, है ना। तो क्योंकि इसमें से क्या उठाएगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम से कंपेयर करेगा। तो ये इनका इस्तेमाल बहुत कम है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर वो आपको कौन सा होता है, इनके साथ, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। ठीक हो गया। तो चैप्टर ये हो गया जी कंप्लीट। हाँ, ये टॉपिक्स में और रहता है, अभी कंप्लीट हुआ है, नल वैल्यू इन सब के लिए। अच्छा, अब मुझे एक रिक्वायरमेंट है, ऐसे एम्प्लॉय जो अपने कंपनी में मैनेजर है, ऐसे एम्प्लॉय जो अपने कंपनी में मैनेजर है। पहले तो मैं ये देखूँ कि मेरे पास डेटा क्या है। हर कंपनी, हर एम्प्लॉय का क्या मैनेजर है, इसका मैनेजर कौन है, 7 as 2 कौन है भाई, ये बॉर्ड है। तो हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई तो मैनेजर है। इसका मतलब अगर ये नंबर यहीं से लिए जाए, पहले वो खुद हायर हुए फिर बाद में मैनेजर बने, तो जब हायर होते हैं तो ऐसे क्या होते हैं, एम्प्लॉय। और जब वो मैनेजर बन जाते हैं तो फिर वो दूसरे एम्प्लॉय के रेफरेंस में आ जाते हैं कि भाई ये इस एम्प्लॉय का मैनेजर ये है। अब इसका मतलब है जो एम्प्लॉय यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, अपने कंपनी में मैनेजर ही हुए ना। अगर ये वाले, ये जो नंबर हैं, ये वाले जो एम्प्लॉय नंबर, ये वाले नंबर हैं, अगर ये नंबर इधर आ जाए, ये वाले नंबर अगर इधर यूज हो रहे हैं, तो क्या मतलब होगा कि वो एम्प्लॉय क्या है, मैनेजर है। अगर 7369 का इधर यूज हो रहा है तो फिर मैं 7369 को क्या यूज करूंगा कि वो क्या है, मैनेजर है। और अगर 7369 इसमें मौजूद नहीं है तो फिर मैं उसको मैनेजर कंसिडर नहीं करूंगा। तो मुझे क्या निकालने हैं, अपने अपने कंपनी में क्या है, अपने कंपनी में मैनेजर है। उसका मतलब है ऐसे एम्प्लॉई जो MGR M नंबर का डाटा अगर MGR में एग्जिस्ट करता है, ये मतलब है, अगर M नंबर का डाटा MGR में एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है, मैनेजर है। तो कैसे निकालेंगे, सिलेक्ट E डॉट, मैं कहता हूँ M नंबर, E डॉट ईमेल, E डॉट सेल, ठीक है, और E डॉट डिपार्टमेंट फ्रॉम M, इसको मैंने E कह दिया। वेयर, अच्छा मुझे क्या देखना है, ये नंबर इधर है कि नहीं, ऐसे देखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ई डॉट एम्प नंबर इन, ये वाले नंबर इसमें है कि नहीं है, नहीं है। मैंने कहा तो वेयर एम्प नंबर इन, और अंदर टाइप कर दूंगा सब क्यूरी, सेलेक्ट क्या पकड़े, एम डॉट एम जी आर फ्रॉम एम, इसको मैंने क्या कह दिया, एम। तो अंदर की सब क्यूरी क्या कर रही है, सारे एम पे से क्या ला रही है, ये एम जी आर। और इसका मतलब है जब ये अंदर की सब क्यूरी चलेगी तो सबके नंबर यहाँ पे आ जाएंगे जी, तो फिर क्या बन जाएगा, वेयर एम नंबर इन लिस्ट, उस पूरी लिस्ट बन जाएगी। और जिस वो नंबर अगर उसको उसमें मिल गया तो वो मीन क्या है, मैनेजर है। तो अगर आप उसको देखें तो ये क्या है, सारे अपने कंपनी में क्या है, मैनेजर है। ये सारे अपने कंपनी में क्या है, मैनेजर्स है। अगर मुझे इसका उल्टा करना है कि जो अपने कंपनी में मैनेजर नहीं, तो इनकी बजाय क्या करना, नॉट है। तो ये वो रिजल्ट आ जाएगा जो अपने कंपनी में मैनेजर नहीं है। क्या यूज किया मैंने, नॉट इन, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए वो ये कहता है कि अगर आपकी अंदर की सब क्यूरी मल्टी रो सब क्यूरी है, एक बात ये, और अगर उस सब क्यूरी में अगर नल वैल्यू आ रही, इसमें कोई एक ऐसा एम्प्लॉय जिसका मैनेजर नहीं है, जैसे ये देखें इसका मैनेजर नहीं है, जैसे किंग है, इसका मैनेजर कोई नहीं है, तो उसका मतलब है जो अंदर सब क्यूरी बन रही है उसमें एक नल वैल्यू भी आ रही है। क्या आ रही है, एक नल वैल्यू। वो ये कहता है कि अगर आप नॉट इन का यूज करते हैं, इन का नहीं, इसका नॉट इन का, और सब क्यूरी के अंदर अगर नल वैल्यू आ जाती है तो फिर आप वो फिर पूरी क्यूरी नल बन जाती है, क्या आंसर है, नो रो सिलेक्टेड। अगर मैं यहाँ पे इस सब क्यूरी में फिल्टर लगा लूँ कि वही रिकॉर्ड पकड़े जिसका एम जी आर नॉट नल है, तो यहाँ पे अगर मैं ये कर दूंगा कि ऐसा जिसका
MGR क्या है? M dot dot MGR is not null. M dot MGR is not null. तो अब अंदर की सब क्यूरी में कोई null value नहीं आएगी, इसमें कोई ना कोई value आएगी, तो फिर वो वाला मसला सॉल्व हो गया. तो ये वो इम्प्लॉई आ गए जो अपने कंपनी में मैनेजर नहीं है, ठीक है ना. तो क्योंकि अगर मैं नॉट इन यूज करता हूँ और अगर आपकी सब क्यूरी के अंदर नल वैल्यू आ जाती है तो फिर वो उस मेन क्यूरी को नल पास कर देता है. तो उसको हमने मसला कैसे सॉल्व किया कि अंदर हमने वही रिकॉर्ड ले लिए जिनका मैनेजर नंबर है, यही है ना. एमजीआर नॉट नल है का मतलब है कि फील्ड है तो नॉट नल है ना. अगर मैं कहूँ वेयर एमजीआर इज नल तो खाली अंदर क्यूरी क्या करेगी, खाली नल रिकॉर्ड आ जाएगी, ठीक हो गया. तो ये आप आपके पास कितने रिकॉर्ड आए, 9 रिकॉर्ड आए. तो पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आपकी सब क्यूरी के अंदर कोई नल वैल्यू आ जाती है और नॉट लगाते हैं तो कोई रिकॉर्ड उस पर नहीं होगा. तो कराना है तो क्या करें कि अंदर की सब क्यूरी में ऐसी कंडीशन लगाएं कि जिसमें नल वैल्यू आए ही ना, जो हमने ये की, और फिर वो नॉट के साथ ये वो एम्प्लॉई है जो अपने कंपनी में मैनेजर्स नहीं. चैप्टर कंप्लीट, यहाँ पे चैप्टर आप कंप्लीट हो गए. अगला पढ़ लें? नहीं सर, काफी काफी आया था फिर. फोन कर लेना यार, उनके लैपटॉप की जा रहा है तो कल उनकी क्लास है तो उन्होंने लैपटॉप ले जाना है. तो मेरा अभी लैपटॉप सर खराब है तो मुझे तक ठीक होगा, पूछ के आना, ठीक है. ऑफ डेटा कॉपी करना.